क्या कर देना चाहिए. इस वक्त तो पॉलिटिकल प्रिजनर. हैव यू लॉस्ट योर ब्लडी माइंड. तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है. मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ. और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है. सर ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है. मत बोलो जेलर. जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है. कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं. अंडरस्टैंड. तुम सरकार का नौकर है. सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है. ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है. नाउ जस्ट डू दैट. यू आर राइट. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने चाहिए. भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ. अंतिम स्थान? लेकिन आज तब तेई मार्च है ना. फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब. उन्हें फांसी आज ही देनी है. नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते. ये धोखा है. अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होंदा है. इससे ज्यादा होंदा है जो हुक्म दिया गया है मान लो. नहीं मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा. नहीं कर सकता. मैं ये हुक्म पूरा बिल्कुल नहीं करूंगा. नहीं करूंगा मैं. इतना बड़ा सुन मत करो. अरे तुम गुप्ता वाले का वास्ता साहब ये मत करो. अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे. राजों से. अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्ल तो देखने दो. उठाने दो. तुम्हारी ये जो सरकार है ना ये बचेगी नहीं. अभी तो गिरेगी. गिरेगी. ये मेरी बदुआ है. निकलो सारे जी. फांसी देने का हुक्म आ गया है. आप तैयार हो जाइए. दो पन्ने रह गए थे पढ़ लो. चलो कोई बात नहीं फिर कभी पढ़ लेंगे. हंसते हंसते विदा हमको कर दे.